brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. बिहार में चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में 17 लाख मतदाताओं में 56% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पूरे दिन भर का जो समीकरण है वो जो देखा जाए तो उसके सामने उभर कर यही बात आई है सामने कि मतदाता जो है कई मतों में बटे हुए दिखे हैं। कोई रोजगार का मुद्दा लेकर मत कर रहे हैं तो कोई अनाज, देश का विकास, देश किसके हाथ में सुरक्षित है, ये सब मुद्दा जो है दिन भर ये मतदाताओं के बीच में चर्चा का विषय बना रहा और उसी के आधार पे जो है मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग किए हैं। हम उजियारपुर के बात करें तो वहाँ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता के बीच सीधी टक्कर है। अब उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में जो धमौन क्षेत्र है, जो जिसे यादवों का बेल्ट कहा जाता है, वो किस ओर गए हैं वही आने वाला जो 4 जून का जो रिजल्ट है उनके ऊपर निर्भर करेगा। यादव जिस ओर जाएंगे वो विजयी होंगे। जहांगीर आलम, समस्तीपुर, बिहार तक।